इंजरी की वजह से मुझे अटेंशन मिला वो अच्छी बात नहीं है लेकिन द होल सेट वाज वेरी सपोर्टिव. ये हमारे लिए एक डेब्यू है तो इट्स बेसिकली लाइक अ नेवर गिव अप सिचुएशन एंड डू और डाई फॉर अस, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और ना ही हम किसी फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं. मेरे लिए तो यही था कि भाई करो या मरो. नहीं बट इट वॉज डिफिकल्ट. It's not only because he got attention because of his injury. He got attention because of my bad dancing skills also. तारीफ कर रही हूँ, इसे सुनाई नहीं देना चाहिए. हाँ तो बेसिकली इसको अटेंशन इसलिए मिला बिकॉज ये सबके साथ बहुत स्वीट था, बहुत अच्छे से रहता था, ये बहुत एडजस्टेबल था. तो मेरे को सुनाई तो नहीं दे रहा ना. मैं वो सुनाई नहीं दे. हाँ कंटिन्यू. हाँ तो बेसिकली चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बेचारे को मेकअप रूम भी मिलता नहीं था तो भी ये रेडी रहता कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरा मेकअप रूम ये ले लेती. तुम्हें सुनाई दे रहा है. फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इसको जाती थी बिकॉज़ शी इज मोस्ट लाइवली सोल ऑन सेट एंड देयर इज अ रीजन व्हाई वी कुड फिनिश द शूट इन 24 डेज प्लस 6 डेज ऑफ सॉन्ग्स बिकॉज़ द एनर्जी वॉज राइट एंड एवरीबॉडी वॉज सपोर्टिव. सब ने एक दूसरे का साथ दिया. एक बार भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मुंह से गाली नहीं आई, ना ही ऊंची आवाज़ में बात हुई है. तो यू कैन इमेजिन जब ऐसा माहौल बनता है तो कितना सपोर्टिव और पूरा यूनिट एक फैमिली की तरह काम करता है. एंड ऑल्दो यू आर ऑल नए लोगों के साथ काम कर रहे थे, बोले अच्छा नया हीरो नई हीरोइन नए एक्टर्स जो भी, ऐसा उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, उन्हें लगा नहीं कि ये नए लोग थे. मतलब इतना सब हम मिल चुके थे एंड इट वॉज जस्ट लाइक यू नो कि वी आर मेकिंग अ गुड फिल्म एंड एक ऑनेस्ट एफर्ट के साथ हम लोग एक अच्छी प्योर फैमिली एंटरटेनर बनाते हैं. अब उसका रिजल्ट जो है हम तो बोलेंगे अच्छी फिल्म है देखो देखो, बट जो रिजल्ट है वो ऑडियंस डिसाइड करेगी फ्राइडे सैटरडे संडे को. तो और बताओ आप तारीफ करो. जब भी हम आपके आपके काम के बारे में बात करें तो आप लाइक आपने कुछ सीरियल्स भी किए हैं तो आपके लिए ये पहली फिल्म है तो आपके लिए कैमरा को लाइक फेस करना आपके लिए नया नहीं है तो कितना कितना मुश्किल रहा है, कितने एक्साइटमेंट रहा एक फिल्म के लिए लाइक काम करना. वेल यस मैंने 3 शोज़ किए हैं, मैं वो अग्री करती हूँ. बट जब आप एक मूवी के लिए डेब्यू करते हो और एक स्टेप आगे जाते हो तो ऑब्वियसली नर्वसनेस बहुत होती है. मैं पहले दिन बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से या कोई कंप्लेन आए कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो या ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं वैसे बहुत डरी थी, मैं बहुत ज़्यादा सतर्क थी कि भाई नहीं मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है. उसके बिसाइड वो आई गेस सेट पे जाने के 10 मिनट बाद ही मेरी नर्वसनेस चली गई थी बिकॉज सेट पे इतना अच्छा माहौल था. एवरीबडी वॉज वेरी नाइस टू अस, वेरी नाइस. मतलब स्पेशली हमारे डायरेक्टर यूजुअली होता है और हम सुनते हैं काफ़ी, मैं कई सुनी बातों में नहीं जाती बट ऐसा हम सुनते हैं कि भाई जो डेब्यू करते हैं नए जनरेशन के लड़के लड़कियां आते हैं और फर्स्ट मूवी करते हैं और जब स्पेशली वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं होते तो डायरेक्टर्स बहुत जल्दी खिंच जाते हैं कि तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ये क्या कर रहे हो, अरे तुमको यहाँ बोला था जाने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो. ऐसा एक बार भी नहीं हुआ. मतलब हमारे पे तो छोड़ दीजिए, मैंने किसी और पे भी सर की ऊँची आवाज़ नहीं सुनी, किसी और किसी पे भी नहीं. मतलब सेट पे इतना लाइट माहौल था ना कि जैसे हंसते हंसते हमारा शूट खत्म हो गया और शूट के बाद हंसते हंसते नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रोई भी तुम. हाँ वो एक बात वैसे मतलब वो कुछ प्यार भरा नहीं नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा एवरीडे सेट पे हंसती रहती थी तो हम दोनों की लड़ाई तो बहुत होती रहती थी तो हमारी सिर्फ ये होता था हमारी मेन लड़ाई होती थी कि तुम वो गाना बंद करो मेरा गाना चलने दो. समझ नहीं आता यार. हाँ बिकॉज बेसिकली हमारी बगल बगल में वेंटी सकती थी और ये अपना लाउड म्यूजिक चलाता था वेंटी में रेडी होने के टाइम पे, मैं अपना लाउड म्यूजिक चलाती थी और कभी कभी मैं स्पीकर भूल जाता हूँ तो बस इसी का म्यूजिक सुनना होता है. और बेचारे को पूरा बॉलीवुड सुनना पड़ता बिकॉज आई एम हार्डकोर बॉलीवुड सॉन्ग्स फैन दो ही इज ऑल्सो, बट ये ना कुछ कुछ इंग्लिश ट्रांस वगैरह सब सुनता रहता है जो मुझे ओके ओके लगता है. मतलब तुम एनर्जी कहाँ से आई है बॉलीवुड गाने
से एनर्जी आती है। भाई म्यूजिक इज अ सोल यार, कहीं से भी एनर्जी आ सकती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मेरे को एनर्जी बॉलीवुड गाने चाहिए, मैं इसके अंदर वैसी एनर्जी बहुत है। इसलिए मैं बॉलीवुड गाने सुना सुना के पकाती थी, पता नहीं पुराने जमाने के नए जमाने के सारे सुनाती थी मैं इसे सारे। हाँ, और इसको मैंने रेस्क्यू भी किया एक दिन, इसकी वारंटी पानी से भर गई थी। हाँ, वो एक अनफॉर्चुनेट बात थी। हाँ, तो मैंने इसको हेल्प भी की उस टाइम पे। तो बेसिकली वी हैड अमेजिंग टाइम। हमारी स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी प्रोड्यूसर नादिया जी को, बिकॉज उन्होंने ही, बिकॉज ऑब्वियसली रूट वही हैं, उनसे धीरे धीरे हम सब जुड़े हैं, वो और राजसर ही रूट से, और उन्होंने हमें इतना अच्छे से रखा, पूरी यूनिट को इतना अच्छे से संभाला। वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हमारे साथ ही अच्छे थे, हमारे जो स्पॉट दादा थे उनके साथ भी वो उतने ही अच्छे थे जितना हमसे, सबके साथ बहुत अच्छा। एंड शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी काम, एंड बहुत प्यार से सबसे बात करेंगे, सबसे स्वीटली रहेंगे। तो ऐसा मस्का मारू की अगली मूवी में भी मुझे शायद ले।